तो मैसेजिंग तो है ही धर्मेंद्र का चेहरा मांझी। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी दी थी उनको और आज वो नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार तो वो राज्य में मुख्यमंत्री हैं लेकिन कैबिनेट में, केंद्रीय कैबिनेट में जगह पा ली है उन्होंने। और इनको लेकर कुछ बात भी आई थी कि ये MOS की कुर्सी दी जा रही है इंडिपेंडेंट, और ये नाराज थे कि नहीं मुझे कैबिनेट चाहिए। लेकिन अभी अब क्या इनका कद होगा वो देखना होगा। लेकिन रामकृपाल जी, जीतन राम मांझी की सक्सेस स्टोरी को आप कैसे देखते हैं? मैं जीतन राम मांझी सत्य निष्ठा से मांझी जी का एक, जैसे मैं कहता हूँ सिंबॉलिक इनका बहुत बड़ा महत्व है। कारण ये है कि आज जैसा मैंने कहा था, अगर बिहार उत्तर प्रदेश की तरह नहीं गया तो उसमें आप चाहे छोटा सा ही रोल माने, नीतीश, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जी, ये तीनों वो हैं कि जिन्होंने बिहार में उत्तर प्रदेश नहीं रिपीट होने दिया, बिहार को यूपी नहीं बनने दिया। पंकज, आप उनकी सक्सेस स्टोरी, यहाँ तक पहुँचना और उनकी अहमियत इस वक्त, उनकी एक बात से तो सहमत हूँ, जैसे कि यूपी में जो बीजेपी के सहयोगी दल थे, अपना दल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, जो भी हो, उन्होंने वोट ट्रांसफर उस हिसाब से नहीं करा पाए। बिहार में अगले साल यानी 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और वहाँ बहुत कठिन चुनाव होना है क्योंकि 6% वोट शेयर जो है वो बढ़ा है RJD का। तो वहाँ एक सामाजिक समीकरण, ये मुसहर समुदाय से आते हैं, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा देखिए हार गए, उसके बावजूद भी NDA विधायक दल, NDA संसदीय दल की बैठक के बाद आपने देखा प्रधानमंत्री और उनके बीच का जेस्चर जो देखा आपने, तो ये बहुत चुनौती होगी। और ये मझे हुए नेता मुख्यमंत्री रहे हैं, साथ दिया इन्होंने, तो सामाजिक समीकरण को बिठाने के लिए, और देखिए इनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है जैसा वो चाहते भी थे। तो ये क्या रोल रह सकता है इनका, क्या रोल देखते हैं हम? अभी विभाग से तो कहा नहीं जाएगा, तो प्रधानमंत्री मोदी तय करेंगे। कैबिनेट मंत्री बन गए, यही बहुत बड़ी बात है, इकलौते सांसद हैं अपनी पार्टी, एक सांसद हैं और वही सीधे कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं। यानी बिहार की आने वाली राजनीति में उनकी अहमियत क्या है वो इससे साफ दिखती है। बिल्कुल। नहीं तो फिर एक चीज और, बिहार की क्योंकि बात हो रही है, चिराग पासवान के पास तो 5 सांसद हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इकलौते सांसद हैं और ये कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं। वो केवल सांसद नहीं, वो हनुमान भी है। तो उन्होंने, मुझे लगता नहीं उनको कैबिनेट बनाया, मेरे प्रधानमंत्री हमेशा यही कहते हैं। तो मोदी जी जो देंगे, मैं तो उनका तो लंबी पारी है, वो अगले 10 साल की थोड़ी सोच रहे हैं, वो 30 से 40 साल की सोच रहे हैं, तो उनको आज के कैबिनेट मंत्रियों की गिनती से उन्हें कम मतलब है।